नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपका फिर से वेलकम है। और आज मैं आपको लोगों के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और ये वीडियो आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा दोस्तों। और आज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और लोगों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों फाइनली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आता हूँ ताकि आपको इमिडिएटली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रोडक्ट हर इंसान को जैसे वो उठता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है। यानी कि जैसे हम उठते हैं सुबह, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की नीड जरूरत पड़ती है अपने को। और दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हम इसको लंबे टाइम से यूज करते आ रहे, फिर भी कहीं ना कहीं हमें दांतों में प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे लोगों को पेस्ट करने के बावजूद भी, हम सालों से पेस्ट को यूज करते आ रहे फिर भी हमें दांतों की प्रॉब्लम है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता लगेगा कि सिटी के हर गली के अंदर आपको एक डेंटिस्ट का क्लिनिक जरूर मिलेगा। और ये इस बात से इशारा करता है कि बहुत सारे लोगों के दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका रीजन क्या है, आज हम रीजन पता करते हैं दोस्तों। मार्केट के अंदर जितने भी टूथपेस्ट आते हैं वो हम एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उस पेस्ट को बाय करते हैं, लेकिन दोस्तों हम कभी भी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, हम कभी भी उसकी वार्निंग नहीं पढ़ते। वहां पे एक वार्निंग लिखी होती है, कीप आउट ऑफ देयर रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, यानी कि 6 साल से कम बच्चे को दूर रखे, डू नॉट स्वेलो, ये बात लिखी होती है। और अगर गलती से भी किसी ने चबा लिया तो उसको तुरंत पॉइजन सेंटर लेके जाइए, ये भी उस पर बात लिखी हुई है। यानी कि यहां से इस बात से पता लगता है कि पॉइजन सेंटर किसको लेके जाते हैं, जो जहर खा लेते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो आयुर्वेदिक का दावा करती है फिर भी उस टूथपेस्ट के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मिलती है। आप अपने पेस्ट के ऊपर वार्निंग जरूर पढ़े दोस्तों। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये वार्निंग लिखते हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल में बताता हूं दोस्तों। इसके अंदर डेंजरस इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। इसमें सबसे पहला है हड्डियों का पाउडर। ये टूथपेस्ट को उसका मटेरियल बनाने के लिए हड्डियों का पाउडर डालते हैं। हड्डियों का पाउडर बना के उसमें मटेरियल के रूप में हड्डियों के पाउडर को यूज करते हैं। बहुत सारी न्यूज चैनल्स ने इस वीडियो को दिखाया था, यानी कि न्यूज को दिखाया था। दूसरा मटेरियल होता है दोस्तों इसके अंदर मार्बल पाउडर होता है। मार्बल पाउडर से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। क्यों नुकसान होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके मार्बल जो होते हैं, इसकी राउंडेबल जो होती है, वो एक रेजमाल का काम करता है। जैसे आपने छोटी कटोरी पे लेके थोड़ी सी पेस्ट को रबिंग करेंगे तो आपको कर कर की आवाज आएगी। जैसे हम देखते हैं कि बाइक पे या गाड़ी पे जहां स्क्रीच होता है तो हम टूथपेस्ट को रगड़ते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो हम सोचते हैं कि वो स्क्रेच हट गया, नहीं, वो वहां से कलर को बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये रेजमाल का काम करते हैं। इसीलिए लोगों के जो दांत होते हैं वो लंबे दिखने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मसूड़े कट जाते हैं। और दोस्तों फाइनली क्या होता है कि इस लंबे टाइम को इस पेस्ट को यूज करने से हमारी जो एनामल परत होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो घिस जाती है परमानेंटली। और जब वो घिस जाती है तो सांस लेना भी मुश्किल होता है, इतना ठंडा गर्म लगता है पानी। अगर ठंडा ले रहे हो तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, गर्म ले रहे हो तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है। एक तीसरा इंग्रेडिएंट होता सबसे खतरनाक, वो था दोस्तों उस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड। और फ्लोराइड के बहुत सारे नुकसान है। हम इसकी ये बात सुनते हैं कि दांतों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों ये दांतों के लिए कितना अच्छा रहता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे पेट के लिए। जब ये पेट के अंदर जाता है तो विष के समान है। अब आप ये बोलेंगे कि हम तो इसको खाते भी नहीं, लेकिन दोस्तों जो हमारे मसूड़े जो होते हैं उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे आपने मसूड़ों पे लगे, वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे 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 जाता है, यानी कि एक साइलेंट किलर का काम करता है, किल करता है बॉडी को धीरे धीरे। और फ्लोराइड को आप जब गूगल पे जाके चेक करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, तो दोस्तों आपको ये सारे परिणाम मिलेंगे, जिसमें सबसे पहली बीमारी है कैंसर, ब्रेन डैमेज, डीएनए डैमेज हो जाता है दोस्तों।
ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये गूगल दावा कर रहा है, और ये फ्लोराइड की साइड इफेक्ट है। आप अपने दांतों के अंदर की साइड जीभ लगा के चेक करिए, आपको खरदरापन महसूस होएगा, वो फ्लोराइड ही जमा हुआ होता है दोस्तों। तो मैं आज एक ऐसे टूथपेस्ट से मिलाने जा रहा हूं दोस्तों जो दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है, और इसके अंदर कोई भी प्रकार का फ्लोराइड नहीं है दोस्तों। इस पेस्ट को रीडर डाइजेस्ट ने 1999 के अंदर आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस के नाम से अवार्ड दिया था, क्योंकि दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। यानी कि इसके इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों इसके अंदर एलो बारबेडेंस लीफ का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है इसके अंदर, और मेन प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल ही है दोस्तों। अब एलोवेरा जैसे आता है तो एलोवेरा के कुछ नेचुरल वर्क होते हैं। एलोवेरा दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं वो डर्मिस लेयर के होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे मसूड़ों को प्रोटेक्ट करता है, और जहां से हमारी चमड़ी कटी है, मसूड़े कटे हैं, उसको रिकवरी करने का काम करता है, क्योंकि एलोवेरा एक साइलेंट हीलर का काम करता है, हील करता है हमारी स्किन को। नंबर टू, एलोवेरा दोस्तों पायरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम होती है, एलोवेरा एक नेचुरली एक ऐसी स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी स्किन को रिपेयर करता है। सेकेंडली, एलोवेरा से दोस्तों क्या होता है, हमारी स्किन की रिपेयरिंग होती है, तो जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है, माउथ अल्सर जो होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि एलोवेरा की वजह से हमारे एक तो मसूड़ों की जो ग्रिप होती है वो मजबूत होती है, यानी कि जिसके पुरानी टूथपेस्ट से मसूड़े कट भी चुके हैं वो धीरे 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 रिकवरी हो जाती है, क्योंकि ये हीलिंग का काम करता है। और नंबर टू, दांतों के अंदर पायरिया की प्रॉब्लम है उनके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, और जिनको मुंह का अल्सर होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर होता है बी प्रोपोलिस। दोस्तों बी प्रोपोलिस एक नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, जो दुनिया का एकमात्र नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, जो क्या करता है, हमारे दांतों की प्रोटेक्शन करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों नेचुरल मिंट डाला जाता है इसके अंदर। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के नेचुरली रूप से सांसों से बदबू आती है, इसके लिए बहुत फायदा करता है। जिस व्यक्ति इस पेस्ट को यूज करता है उसके सांसों की जो बदबू है वो परमानेंटली बंद हो जाती है। और एक इसकी खास बात है दोस्तों, इस पेस्ट को करने के 24 घंटे तक आपका मुंह बिल्कुल फ्रेश रहता है। कई बार ट्रेवलिंग की वजह से आप पेस्ट नहीं कर पाते हो तो भी ये उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, कि 24 घंटे तक आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। और इसको बहुत छोटे से साइज के अंदर यूज करना होता है, क्योंकि एक मटर के दाने की जितना भी यूज करते हो तो भी ये बहुत लॉन्ग टाइम आपका एक टूथपेस्ट चलता है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा टूथपेस्ट है दोस्तों जिसके मोस्ट ऑफ जो इंग्रेडिएंट है वो हर व्यक्ति खा सकता है। इस पेस्ट को अगर आपने चबा भी लिया तो भी ये कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये स्किन फ्रेंडली है, ये हमारे दांतों की रक्षा करता है, दांतों की प्रॉब्लम को ठीक करता है। और जिन लोगों को मार्केट के टूथपेस्ट सूट नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा टूथपेस्ट, क्योंकि कई कई लोगों को मैं सुनता हूं कि पेस्ट करने के बाद वो कहते हैं हमें उल्टी आ जाती है, या हम दही खाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। और आपने मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा, इसके लिए आपका मैं थैंक्स करना चाहता हूं। और मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो के एंड के अंदर आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी क्या बात लगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरे वीडियो के एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।